हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 38 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और आज की क्लास में हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को ही कंटिन्यू रखेंगे। आज क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी हैं और आज के बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, द कैबिनेट मिशन विच अराइव्ड इन दिल्ली इन 1946 वॉज हेडेड बाय। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में दिल्ली आया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सी एवी अलेक्जेंडर या डी लॉर्ड एटली। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। देखिए, ये जो कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर आया था, इसके और बाकी मेंबर्स कौन थे? उसके बाकी मेंबर्स थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, क्रिप्स मिशन वाले, और एवी अलेक्जेंडर। ये दो इसके बाकी दो मेंबर्स थे, लेकिन इसके हेड थे आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और इसका इनिशिएटिव था ये क्लीमेंट एटली का। क्लीमेंट एटली वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट दैट टाइम। ठीक है, तो लॉर्ड ये जो विलियम पैथिक जो थे, ये कौन थे? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के 1945 से लेकर 1947 तक। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तीन मेंबर्स आपको नाम याद रखने हैं इसके, ये कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ये नेम आपसे पूछेगा कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा एक मेंबर नहीं था आपके कैबिनेट मिशन का, और आपको आंसर सही बताना होगा। तो नाम याद रख लीजिए, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। चलिए नेक्स्ट, अगस्त ऑफर वॉज इश्यूड बाय। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा जारी किया गया था? ए क्राउन यानी सम्राट, बी पार्लियामेंट यानी संसद, सी वायसराय या डी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी राज्य सचिव। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका वायसराय। वायसराय ने आया आपका दिया था। कौन वायसराय थे उस टाइम आपके? थे वो वायसराय लिन लिथगो। नाम वैसे याद होएगा ही आपको, फिर ही बता दूं, लिलिथगो। अगस्त ऑफर आपका 1940 के अंदर आया था। ठीक है, ये डिटेल्स याद रहेंगी। नेक्स्ट, जिन्ना गेव हिज ओपोजिशन टू वेवल्स प्लान इन द कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट। जिन्ना ने कहां पे आयोजित सम्मेलन में वेवल योजना के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया था? ए दिल्ली, बी शिमला, सी कैलकटा या डी मैड्रास। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिमला के अंदर। ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस को भी अपने वेवल प्लान कह देते हैं, इसके अंदर मीटिंग हुई थी कि ये जो मेजर पॉलिटिकल लीडर्स थे ब्रिटिश इंडिया के, उनके बीच में, कि ताकि ये एग्री कर सके वेवल प्लान जो है इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। लेकिन ये जो वहां पे टॉक्स फेल हो गई, क्योंकि जिन्ना ने ओपोजिशन कर दिया था, तो जिन्ना की वजह से वहां पे टॉक्स फेल हुई थी। प्रॉब्लम क्या थी कि मुस्लिम लीग अपने आप को एसर्ट करना चाहती थी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, लेकिन इसी वजह से उसको ये मंजूर कतई नहीं था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक कोई भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव किसी भी सीट पे अपना अपॉइंट करे। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स। 1935 में के भारत सरकार अधिनियम में कितनी धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी? ए 300, बी 330, सी 321 या डी 331। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने कल भी आपको बताया था, ऑप्शन नंबर सी 321। आप याद कर सकते रख सकते हैं 321। ठीक है, काउंट डाउन कर रहे हैं वैसे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। प्रोविजन वॉज मेड इन द एक्ट ऑफ 1935 फॉर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1935 के अधिनियम में किसके लिए प्रावधान किया गया था? ए द सेंट्रल सब्जेक्ट्स केंद्रीय विषय, बी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स प्रांतीय विषय, सी कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची या डी अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर प्रिंसली स्टेट्स रियासती राज्यों के लिए विषयों की एक सूची। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर प्रिंसली स्टेट्स। जो ये आपके रियासती राज्य थे, इनको क्या स्पेशल पावर्स थोड़ी सी दे दिया गया था, इनका स्टैचर थोड़ा सा ऊंचा रखा गया था, ताकि ये एक जो अपना इंडियन फेडरेशन जो ये बनाना चाह रहे थे, ऑल इंडिया इंडियन फेडरेशन, उसके अंदर प्रिंसली स्टेट्स आपके ज्वाइन कर लें। तो इनको थोड़ा एक्स्ट्रा लालच दिया गया था उसके अंदर, लेकिन फिर भी प्रिंसली स्टेट्स के जो भी ये प्रिंसेस थे, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था इसको। तो ये वाला आपका फेल रह गया था इसका, कि एक फेडरेशन बनाना था जो प्रिंसली स्टेट्स को इंक्लूड करके, तो वो वाला एक प्रोविजन इसका फिर फेल हो गया था, क्योंकि ये प्रिंसेस ने विरोध कर दिया था। बाकी सारे इसके प्रोविजंस माने गए थे, लेकिन ये इकलौता नहीं माना गया था। इन द विच प्लान प्रोविंसेस वर अलाउड टू फॉर्म ग्रुप्स विद कॉमन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर्स। किसमें प्रांतों को साझा कार्यपालिका तथा विधायिका के साथ संघ बनाने की अनुमति दी गई थी?
ए वेवल प्लान, बी डिकी बर्ड प्लान, सी कैबिनेट मिशन प्लान या डी माउंट बैटन प्लान। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन प्लान। जो ये आपका कैबिनेट मिशन प्लान था, इसने एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम अपने इंडिया के लिए ये मतलब कि रिकमेंड किया था, जिसके अंदर तीन टीयर्स थे। एक तो प्रोविंसेस थे, दूसरे प्रोविंशियल ग्रुपिंग्स थी और तीसरा सेंटर था। सेंटर के पास तो पावर कितनी रख ली इन्होंने, खाली फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, करेंसी और कम्युनिकेशन की। बाकी सारी पावर्स इसने प्रोविंसेस को दे दी और प्रोविंसेस को यह भी कहा कि ये किसी भी तीन ग्रुप्स में से एक हो सकते हैं अगर होना चाहें तो। क्या थे ये ग्रुपिंग्स? एक तो थे कि आपके मुस्लिम मेजोरिटी जो आपके एरियाज थे, जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस जो आपकी थी, ठीक है, ये दो प्रोविंसेस हो गई। ये ग्रुप ए आपका वेस्ट में था, ग्रुप सी आपका ईस्ट के अंदर हो गया और ग्रुप बी आपका बीच के अंदर हो गया, जो कि हिंदू मेजोरिटी ग्रुप था। तो ये आपकी तीन ग्रुपिंग्स इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर कैबिनेट मिशन प्लान द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की क्षमता कितनी होनी थी? ए 389, बी 289, सी 250 या डी 350। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 389। ये जो कैबिनेट मिशन प्लान जो था, इसके अंडर ही आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस पहली बार हुए थे। इसके ये वोटिंग कैसे की गई थी? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसमें कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, और इसके टोटल मेंबरशिप आपकी रखी गई थी 389। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोवाइडेड इन द कैबिनेट मिशन प्लान वुड बी इंप्लीमेंटेड बाय। संविधान सभा, जिसका कि कैबिनेट मिशन योजना में प्रावधान था, उसके द्वारा तैयार किया गया संविधान किसके द्वारा लागू किया जाना था? ए पार्लियामेंट यानी संसद, बी द ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सरकार, सी द वायसराय या डी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यह अपने इंडिया उस टाइम, उस कैबिनेट मिशन का जब प्लान आया था, तब तक इंडिया वॉज स्टिल अ ब्रिटिश डोमिनियन। आपके वो ध्यान है ना, 1946 की इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नहीं था, प्राइम मिनिस्टर वॉज क्लीमेंट एटली एट दैट टाइम। क्योंकि एक वो अपना ध्यान है, एक कुछ टाइम पहले फेक लेटर चलता था, ठीक है, जिसके अंदर वो फेक ही लेटर था, जिसके अंदर नेहरू जी को दिखाते थे कि ही वॉज कॉलिंग सुभाष चंद्र बोस अ वॉर क्रिमिनल। तो एक वो फेक लेटर था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस चीज को पढ़ते ही पता लग रहा था कि लेटर फेक था, बिकॉज इन 1946 इंडिया डिडंट हैव अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। पंडित नेहरू आपको ध्यान, एक तो वो वाइस प्रेसिडेंट थे उसके, और दूसरा इनके कॉमनवेल्थ रिलेशंस और ये वाला पोर्टफोलियो था उनका। द प्रोविंस ऑफ द बंगाल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एक्ट ऑफ 1935 वुड सीज टू एग्जिस्ट एज पर। 1935 के अधिनियम के द्वारा गठित बंगाल प्रांत का अस्तित्व किसके अनुसार समाप्त हो जाता? ए द कैबिनेट मिशन प्लान, बी वेवल्स प्लान, सी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 या डी द डिकी बर्ड प्लान। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था, इसके और क्या साइलेंट फीचर्स थे? एक तो कि ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध और चीफ कमिश्नर प्रोविंस बलोचिस्तान की, ये पाकिस्तान का पार्ट बनने थे। दूसरा, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो थी, जिसको कि अब पखुम्थुक्वा जो कहा जा रहा है, इसका जो नेम चेंज हुआ था रिसेंटली, मैंने बताया भी था आपको। तो ये था, इसको रेफरेंडम से डिसाइड किया जाएगा कि इसका फेट क्या होगा, ये कौन से में जाएगा, इंडिया में आएगा, पाकिस्तान में आएगा, या फिर ये एक इंडिपेंडेंट रहेगा, वो सारा रेफरेंडम से था। तीसरा, जो बंगाल और पंजाब की प्रोविंसेस थी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर जो बनी थी, वो अब नहीं रहेंगी, उनकी जगह आपके ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बनेंगे बंगाल के, और ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब बनेंगे पंजाब के। और लास्ट, कि ये जो सिलहट जो डिस्ट्रिक्ट था असम का, उसका फेट भी अब रेफरेंडम पे ही छोड़ दिया गया था। तो ये इसके साइलेंट फीचर्स थे। नेक्स्ट, एज पर द एक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस द बाउंड्रीज ऑफ ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड असम वुड बी डिटरमिंड बाय। भारतीय स्वतंत्रता के अधिनियम के अनुसार पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल तथा असम की सीमाओं का निर्धारण किसके द्वारा किया जाना था? ए द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी द मुस्लिम लीग, सी द अवार्ड ऑफ बाउंड्री कमीशन यानी सीमा आयोग के निर्णय के द्वारा, या डी द पीपल लिविंग इन दोज बाउंड्रीज एरियाज यानी उन सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो ये सीमा आयोग एक बनना था, सीमा आयोग जिसको कि गवर्नर जनरल कंस्टिट्यूट करता, अपॉइंट करता,
वो डेट आपकी जो भी डिसाइड करने की बिफोर और आफ्टर जो अपॉइंटेड डेट, उसके बाद कभी भी हो सकती थी। चलिए नेक्स्ट। एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान द पावर वुड बी ट्रांसफर टू। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार सत्ता का हस्तांतरण पहले किसको किया जाना था? ए द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी द इंटरिम गवर्नमेंट, सी द वायसराय या डी द प्रिंसेस ऑफ द स्टेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी द इंटरिम गवर्नमेंट। ये जो अंतरिम सरकार है उसको कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा था कि आपकी सत्ता दी जाएगी। नेक्स्ट, ऑन कैबिनेट मिशन हु ऑब्जर्व्ड द प्रपोजल्स प्रिजर्व द एसेंशियल यूनिटी ऑफ इंडिया विच ला थ्रेटन्ड बाय द डिस्प्यूट बिटवीन टू मेजर कम्युनिटीज। कैबिनेट मिशन पर किसने कहा था? इसके प्रस्ताव भारत की सारभूत एकता का संरक्षण करते हैं जिस पर दो प्रमुख समुदायों के बीच विवाद के कारण खतरा उत्पन्न हो गया था। ए वेवल, बी नेहरू, सी पटेल या डी महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ये वेवल के टाइम, ये क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान आया था तो ये वेवल ने ही कहा था कि ये जो खतरा पैदा हो गया उसको ये टालता है। नेक्स्ट, हु वॉज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंडिया सेक्युलर स्टेट। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार थे? ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी पंडित नेहरू या डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए, गांधी जी भी सेक्युलर थे, सरदार पटेल भी सेक्युलर थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी सेक्युलर थे और नेहरू जी भी सेक्युलर थे। ठीक है, तो सेक्युलर सारे के सारे थे, इनमें से धर्मनिरपेक्ष सभी थे, इनमें से कोई भी कम्युनल नहीं था। लेकिन आप सभी को पता है गोखले तो 1915 में डेथ हो गई थी, गांधी जी की 1948 में असैसिनेशन हो गया था, सरदार पटेल की 1950 में डेथ हो गई थी। तो अब इंडिया की कमान किसके हाथ में रही थी? वो रही थी आपके पंडित नेहरू के पास, जो कि आपने प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन्होंने इंडिया को ये फिर सेक्युलर डायरेक्शन दी, इंडिपेंडेंट इंडिया को। बाकी फाउंडेशन इन सब ने रखी, लेकिन ये इसी डायरेक्शन के अंदर लेके गए सेक्युलरिज्म की, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से आज अपनी हालत पाकिस्तान जैसी बुरी नहीं है, बिकॉज इन्होंने इंडिया को एक बढ़िया एक सेक्युलर फाउंडेशन दे दी थी। और ये देखा जाए तो गांधी जी की लीडरशिप की क्वालिटी थी कि गांधी जी ने देखिए कि नई लाइन ऑफ लीडरशिप कितनी तैयार करके रखी थी, जो जिन्ना ने नहीं की। जिन्ना ने खाली एक वही था कि लियाकत के अलावा तो और किसी को कुछ दिया नहीं, लियाकत के पास भी कोई खास पावर नहीं थी, लेकिन गांधी जी ने पावर दी दूसरी लाइन ऑफ लीडर्स को और उनको नर्चर किया अपने अंडर। और जैसे कि आपके राजा जी थे सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू और पता नहीं कितने सारे लीडर्स गांधी जी ने तैयार किए अपने अंडर, ताकि आगे मतलब कि कंट्री अपना देश चलता रहे। तो ये गांधी जी का एक विजन था। नेक्स्ट, बिफोर द रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास्ड इन 1773 देर वॉज वॉट टू एडमिनिस्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासित करने के लिए क्या हुआ करता करती थी था? तो इसका करेक्ट आंसर देखें, ऑप्शन नंबर ए अ कमिटी ऑफ 24, 24 लोगों की एक समिति, बी अ सेक्रेटरी एक सचिव, सी अ काउंसिल ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड्स का एक परिषद या डी अ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व बोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कमिटी ऑफ 24। तो ये जो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इससे पहले इसका ये कमिटी थी 24 लोगों की, जिसको कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इन्हें इलेक्ट करते थे शेयर होल्डर्स और ये एनुअल बेसिस पे इलेक्ट होते थे, और जो शेयर होल्डर्स थे इनको कहते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ठीक है, और ये डे टू डे फंक्शनिंग जो ईस्ट इंडिया कंपनी की होती थी, ये कमिटी होती थी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, वो ही डिसाइड करती थी। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट्स ऑफ अर्ली इंग्लिश सेटलमेंट्स मैड्रास, बॉम्बे एंड कैलकटा वर रेस्पॉन्सिबल टू। आरंभिक अंग्रेजी उपनिवेशों में जो कि मद्रास, बॉम्बे तथा कलकत्ता थे, उनके प्रेसिडेंट जो थे आपके, वो किसके प्रति उत्तरदायी थे? ए द हाउस ऑफ कॉमन्स, बी द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सी द होम गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी या डी द काउंसिल ऑफ सीनियर मर्चेंट्स यानी वरिष्ठ व्यापारियों का परिषद। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कंपनी की गृह सरकार जो थी। अब आपको पता है ये कंपनी होम गवर्नमेंट ऑफ कंपनी कौन थी, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही संभालते थे। आपको ध्यान है इनिशियली तो जो 24 लोगों का काउंसिल था तो वही था ये आपका। तो ये जो इंडिया के अंदर आपको ध्यान है तीन प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, मैड्रास एंड कैलकटा। ठीक है,
इनको प्रेसिडेंट होता था आपका गवर्नर जनरल, ठीक है, और इसका जो काउंसिल कहते थे गवर्नर इन काउंसिल, तो इसके सारी पावर्स ये गवर्नर इन काउंसिल के पास होती थी और इसके कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी डिसीजन मेजोरिटी ऑफ वोट जो होता था काउंसिल का उसके बेसिस पे ही लिया जाता था। और ये तीनों की तीनों प्रोविंसेस थी, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट थी और इनके पास काफी ऑटोनॉमी थी, काफी अच्छे ये मतलब कि गवर्न करते थे, काफी अच्छी पावर थी और इन ये अनसर्वेबल खाली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ द एक्ट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वुड कंसिस्ट ऑफ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन कौन शामिल थे, ए द चांसलर ऑफ द एक्सचेकर इंग्लैंड के वित्त मंत्री, बी द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भारत के राज्य सचिव, सी फोर प्रिवी काउंसलर्स चार प्रिवी पार्षद या डी द गवर्नर जनरल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी द गवर्नर जनरल। तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसके अंदर क्या आपको प्रोविजन था कि ये एक 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का, जो 6 मेंबर्स का बोर्ड ये आपका एस्टेब्लिश किया जाए जो कि आपका पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो देखेगा और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स खाली अब फाइनेंशियल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज देखेगा। तो ये पहली बार इसका डिविजन हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का कि आपका एक तो कि पॉलिटिकल जो इसका पावर थी वो छीन ली गई थी और इसको खाली अब फाइनेंशियल पावर दे दी गई थी। ये एक पिट्स इंडिया एक्ट का मेन प्रोविजन था। अब ये जो बोर्ड जो था आपका ये हेड किया जाना था इसके प्रेसिडेंट के द्वारा जो कि एक फ्रीक्वेंटली कैबिनेट लेवल की एक पोजीशन होती थी, लेकिन इस पोजीशन को 1858 के अंदर एबॉलिश कर दिया गया था, आपको ध्यान है ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि इसको एबॉलिश कर दिया गया था तो ये पोस्ट भी एबॉलिश हो गई थी। फिर इसकी जगह कौन सी पोस्ट आई थी, वो आई थी आपकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 मेड प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ और एन डैश फॉर इंडिया इन द यूनाइटेड किंगडम। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यूनाइटेड किंगडम में भारत के लिए किसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, ए एम्बेसडर, बी कौंसल, सी हाई कमिश्नर या डी इंडियन मेंबर इन पार्लियामेंट फॉर ऑफ इंग्लैंड। तो देखेंगे लगभग सारी सेम चीजें आपके, देखें राजदूत, वाणिज्य दूत, उच्च आयुक्त, ये सारी सेम चीजें हैं, लेकिन ये जो आपका कॉमनवेल्थ है इसके अंदर अपने हाई कमिश्नर होता है, एम्बेसडर नहीं होता, ये हाई कमिश्नर कहलाता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर। और उस एक्ट के अंदर भी आप देखेंगे प्रॉपर टर्म जो यूज लिया गया है वो हाई कमिश्नर यूज लिया गया है, ठीक है। कौन सा पार्ट थर्ड और सेक्शन 35 था उसके अंदर ये प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन द यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट एज पर द एक्ट ऑफ 1935 द फेडरल कोर्ट वुड हैव ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, 1935 के अधिनियम के अनुसार किसके बीच विवादों का निर्णय संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में शामिल था, ए द फेडरेटिंग यूनिट्स संघ में शामिल इकाइयां, बी द फेडरेटिंग यूनिट्स एंड द फेडरल गवर्नमेंट संघ में शामिल इकाइयां तथा संघीय सरकार, सी द फेडरल गवर्नमेंट एंड द फेडरेटिंग यूनिट्स संघीय सरकार तथा संघ में शामिल एक इकाई, या डी द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द वायसराय काउंसिल राज्य सचिव और वायसराय की परिषद। तो ये जो आपका फेडरल कोर्ट था इसके अंदर आपका जुरिस्डिक्शन ये वायसराय और इसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बीच के अंदर जो भी डिस्प्यूट था उसके अंदर काम नहीं करता था, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। बाकी ये तीनों डिस्प्यूट्स ये देखता था आपका फेडरल कोर्ट। जो ये फेडरल कोर्ट मैंने आपको बताया था 1937 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये फंक्शनल कब तक रहा था, जब तक कि आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश नहीं हो गया था 1950 के अंदर, ठीक है। इसको कौन कौन से एक्सक्लूसिव डोमेन्स थे, ये आपके एक तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किसके इसके अंदर था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और जो प्रोविंसेस है उसके अंदर जो इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इसका था, और इसकी सीट कहां पे थी, चैंबर ऑफ प्रिंसेस जो कि पार्लियामेंट बिल्डिंग दिल्ली के अंदर। इसकी बिगनिंग हुई थी 3 जजिस के साथ जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस था, दो इसके प्यूनी जजिस थे। इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन आपको पहले ही बताया था, प्यूनी होता था जो जजिस जो कि सीनियर जजिस थे लेकिन चीफ जस्टिस से नीचे स्टेचर के जो जजिस होते हैं उन्हें आप कहते हैं प्यूनी जजिस, ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे इसके, सर मॉरिस ग्वायर,
ये मैंने आपको बताया था, नाम याद रखिएगा। और बाकी दो जजेस थे सर शाह मोहम्मद सुलेमान और एम आर जयकर। नेक्स्ट, अगस्त ऑफर वॉज इश्यूड ऑन विच डेट, अगस्त प्रस्ताव कौन सी तारीख को जारी किया गया था? 8 अगस्त 1940, बी 15 अगस्त 1940, सी 20 अगस्त 1940 या डी 30 अगस्त 1940। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 अगस्त 1940। एज पर कैबिनेट मिशन प्लान द प्रिंसली स्टेट्स वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय डैश मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में रियासती राज्यों का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों के द्वारा किया जाना था? ए 90, बी 93, सी 103 या डी 100। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 93। नेक्स्ट, इन द कैबिनेट मिशन प्लान प्रोविजन वॉज मेड फॉर द कमिश्नर्स प्रोविंसेस टू रिप्रेजेंट बाय हाउ मैनी मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैबिनेट मिशन योजना में यह प्रावधान किया गया कि आयुक्त के प्रांतों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में कितने सदस्यों के द्वारा किया जाएगा? A 14, B 10, C 8 या D 4। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर D 4। जो आपको ध्यान है इसके टोटल मेंबर्स 389 थे, जिसके अंदर 292 तो रिप्रेजेंटेटिव्स थे आपके स्टेट्स के। कितने? 292, आपको याद रखना ये फिगर, स्टेट्स के कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे? 292। 93 अभी आपने डिस्कस किया प्रिंसली स्टेट्स के थे, और चार चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस थी, कौन कौन सी? दिल्ली, अजमेर मेवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। एज पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट फ्रॉम विच डेट द टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस शैल बी सेट अप इन इंडिया टू बी नोन रेस्पेक्टिवली एज इंडिया एंड पाकिस्तान। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार किस तारीख से भारत में दो स्वतंत्र डोमिनियंस स्थापित किए जाएंगे तथा क्रमशः भारत और पाकिस्तान के रूप में जाने जाएंगे? ए 15 अगस्त 1947, बी 14 अगस्त 1947, सी 3 जुलाई 1947 या डी 26 जनवरी 1950। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1947। अच्छा, आप सभी को ध्यान होगा 15 अगस्त 1947 जैसे अपना इंडिया इंडिपेंडेंस डे है, वैसे ही 14 अगस्त 1947 उसका पाकिस्तान ने अपना वो चूज किया। ये 14 अगस्त पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है, जैसे 15 अगस्त अपना होता है, और आपको पता है बांग्लादेश का आपका होता है 16 दिसंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रीटी टू बी नेगोशिएटेड एज प्रोवाइडेड इन द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान के अनुसार की जाने वाली संधि में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया था? द इंडियन यूनियन, भारतीय संघ, बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा, सी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या डी द यूनाइटेड किंगडम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसके अंदर शामिल नहीं रखा गया था। नेक्स्ट, और उसके अंदर आप देख भी सकते हैं ऑड वन आउट इंडियन नेशनल कांग्रेस ही नाम था, तो आपको पता भी ना हो तो भी आप उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर सकते हैं कि यहां पे एक तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी होगी, बाकी आप सारे के सारे देखेंगे तो एक तरीके के ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हो गई। एज पर पिट्स इंडिया एक्ट द कमिटी ऑफ सीक्रेसी वुड कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स ऑफ। पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार गोपनीय समिति में किसके 3 सदस्य शामिल किए गए थे? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, द हाउस ऑफ कॉमन्स या द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आपको ध्यान है ये पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर पहले ही कि आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड जो था, ये दो आपके डिवाइड कर दिए गए थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ में आपका पॉलिटिकल आ चुका था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन देखते थे कंपनी के, तो यह सारा आपका डिविजन इसके अंदर हुआ था। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइनमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मीन्स। भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का उद्देश्य क्या था? टू स्टैंड इन आइसोलेशन फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स, विश्व के मामलों से अलग रहना, बी टू जज एवरी इंटरनेशनल इशू ऑन इट्स ओन मैरिट, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे का निर्णय अपनी खुद की योग्यता से करना, सी टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ अ कंट्री, किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, या डी नॉट टू हेल्प एनी कंट्री, किसी भी देश की सहायता नहीं करना।
तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा जो था उसका निर्णय अपने उसके खुद की योग्यता पे करना, उसकी खुद की मेरिट पे इसको डिसाइड करना, एवरी इंटरनेशनल इश्यू। नेक्स्ट, द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वॉज थ्रोन ओपन टू ऑल बाय द एक्ट ऑफ, भारतीय लोक सेवा की परीक्षा को किसके अधिनियम के द्वारा सभी के लिए खोल दिया गया था, ए 1853, बी 1858, सी 1813 या डी 1784। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1858। तो क्योंकि यहां पे अब आपको ध्यान है ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश कर दी गई थी, तो उसके बाद जो यहाँ के जो इंडिया की जो ये सिविल सर्विसेज वाले जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने फिर अपनी कमान संभाली थी, और इसके बाद फिर ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सबके लिए खोल दिया गया था। द पिट्स इंडिया एक्ट एम्पावर द गवर्नर जनरल विद, पिट्स इंडिया एक्ट ने गवर्नर जनरल को कौन सी शक्ति दी थी, ए पावर टू वोट मतदान की शक्ति, बी द कास्टिंग वोट निर्णायक मत, सी द पावर टू डिसमिस द काउंसिल परिषद को भंग करने की शक्ति, या डी द पावर टू एड मोर मेंबर्स टू द काउंसिल परिषद में अधिक सदस्यों को शामिल करने की शक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट जो था वो मिला था आपको, जो आपको मैंने बताया था पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर पॉलिटिकल फंक्शन सेपरेट कर लिए थे इसके कॉमर्शियल फंक्शन से। ठीक है, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था वो तीन मेंबर का ही रह गया था बजाय के चार के, पहले चार का था फिर इसको कम करके तीन मेंबर का करके रख दिया था आपको, ताकि गवर्नर जनरल की जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, और इसको फिर डिसाइसिव वोट मिल गया, राइट टू ऑफ कास्टिंग वोट। ठीक है, ये डिसाइसिव वोट इसका हो गया गवर्नर जनरल का। साथ ही साथ जो बॉम्बे और मैड्रास के जो गवर्नर्स थे उनको इनकी इंडिपेंडेंस छीन ली गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर, और जो ये गवर्नर जनरल था जो कि ये आपको ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम यानी कि बंगाल का जो था उसके पास ज्यादा पावर्स आ गई थी इन द मैटर्स ऑफ वॉर रेवेन्यू एंड डिप्लोमेसी। इनडायरेक्ट इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द एक्ट ऑफ, भारत में किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई थी, ए 1853, बी 1858, सी 1892 या डी 1833। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1892। ये जो एक्ट था इसको आपने कह सकते हैं कि बिगनिंग हुई थी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया की, लेकिन ये खाली इनडायरेक्ट इलेक्शन से था, इसके अंदर कॉमन इंडिया को कुछ इंडियन को कुछ भी नहीं मिला था, आम भारतीय को हाथ कुछ भी नहीं लगा था। और इसके अंदर जैसे मैंने बताया इनडायरेक्ट इलेक्शन रखा गया था किस लिए, ताकि ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक और ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनके बीच में उसको अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट, एज पर द एक्ट ऑफ 1919 द काउंसिल ऑफ इंडिया वुड कंसिस्ट ऑफ अ मिनिमम 8 एंड अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। 1919 के अधिनियम के अनुसार भारत में परिषद में भारत के परिषद में न्यूनतम 8 तथा अधिकतम कितने सदस्य शामिल किए गए थे, ए 15, बी 12, सी 10 या डी 20। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 12, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसको कि अपने कहते हैं ये जो किसके रिकमेंडेशन पे आया था, ये मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के रिकमेंडेशन पे आया था, आपको ध्यान है मॉन्टेगो चेल्सफोर्ड रिफॉर्म ये एक्ट भी कह देते हैं इसको। इसने एक तो प्रोविंशियल डायर की जो थी वो एस्टेब्लिश की थी, साथ में जो भी इसके सब्जेक्ट्स थे सारे सारे विषय इनको दो लिस्ट के अंदर डिवाइड किया गया था, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, इंडियन काउंसिल इसके अंदर बनाया गया था जिसके अंदर मिनिमम 8 सदस्य होते थे हो सकते थे और ज्यादा से ज्यादा 12 हो सकते थे, और साथ ही साथ इस काउंसिल के अंदर जो नंबर ऑफ इंडियंस थे इनका नंबर बढ़ा के 2 से 3 कर दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रॉट द कंपनी इन डायरेक्ट सबॉर्डिनेशन टू अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग, पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी को किसका प्रतिनिधित्व करने वाले एक निकाय की प्रत्यक्ष अधीनता में ला दिया, ए द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की संसद, बी द इंग्लिश मर्चेंट्स इन इंडिया भारत में अंग्रेजी व्यापारी, सी द इंडियन मर्चेंट्स भारतीय व्यापारी, या डी प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासती राज्य। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी द इंग्लिश सॉरी ऑप्शन नंबर ए द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। वेवल प्लान वॉज अनाउंस्ड इन द ईयर, वेवल योजना की घोषणा किस वर्ष में की गई थी, ए 1945, बी 1942, सी 1946 या डी 1940। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए 1945, ये अपने इनिशियली देख ही चुके हैं शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 जो कि जिन्ना की वजह से फेल हो गई थी। नेक्स्ट, एज पर ऑगस्ट ऑफर द ब्रिटिश ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया वॉज, अगस्त प्रस्ताव के अनुसार भारत के लिए अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था,
ए डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज्य का दर्जा, बी पूर्ण स्वराज, सी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी जिम्मेदार सरकार, या डी प्रोविंशियल अथॉरिटी यानी प्रांतीय अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे अगस्त ऑफर 1940 के अंदर, जो कि अपने वालों को मंजूर नहीं था, अपने को अब पूर्ण स्वराज ही चाहिए था। नेक्स्ट, एज पर वेवल्स प्लान द एक्सटर्नल अफेयर्स वुड बी अंडर द चार्ज ऑफ, वेवल की योजना के अनुसार विदेश के मामले किसके प्रभार में होते, ए वायसराय, बी पार्लियामेंट, सी एन इंडियन मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद के भारतीय सदस्य के प्रभाव में, या डी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी राज्य सचिव के अंडर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एन इंडियन मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो ये वेवल ने जो कि अपना दिया था अपना प्लान, इसका क्या मेन मोटिव था कि जो डेडलॉक बना हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, उसको कि खत्म किया जा सके। ये प्लान जैसा कि मैंने बताया 1945 के अंदर ये आपका अनाउंस किया गया था शिमला कॉन्फ्रेंस वाला, इसके अंदर प्रोविजन था कि नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाए सेंटर के अंदर, जिसके कि मेंबर्स आपके इंडियन हो एक्सेप्ट वायसराय और कमांडर इन चीफ, और सभी के सभी पोर्टफोलियोज आपके दे दिए जाए इंडियन मेंबर्स को एक्सेप्ट डिफेंस। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये सारी डिटेल्स, आई होप अब की बार आपको याद हो गई होंगी। द फर्स्ट स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड फैक्ट्री दैट द ब्रिटिशर्स हैड फोर्टिफाइड वॉज एट, सामरिक दृष्टिकोण से पहले फैक्ट्री कहां डाली गई थी जिसे अंग्रेजों के किला बंद किया गया था, सामरिक दृष्टिकोण से पहली फैक्ट्री कहां डाली गई थी जिसे अंग्रेजों के द्वारा किला बंद किया गया था, ए सूरत, बी बॉम्बे, सी मसूलीपट्टनम, या डी मैड्रास। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मैड्रास। ये जो अंग्रेजों ने सबसे पहले तो ये कोशिश की थी ये फोर्टिफिकेशन सूरत के अंदर, लेकिन वहां पे आपके जो मुगल सैनिकों ने क्या किया, फिर इनके ऑफिशियल्स को इम्प्रिजन कर दिया था, तो सूरत वाला फोर्टिफिकेशन तो इनका फेल हो गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने जैसे पहली फैक्ट्री तो मसूलीपट्टनम में 1611 में ही खोल ली थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने मैड्रास के अंदर 1639 के अंदर फैक्ट्री खोली 1639-40 के अंदर, क्योंकि जब लोकल किंग ने वहां पे जमीन इनको दे दी थी लीज पर। और इसके बाद फिर इन्होंने वहां पे एक फोर्ट भी बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज, और आपको ध्यान है फोर्ट सेंट जॉर्ज ये पहला फोर्ट था जो कि ब्रिटिश ने बनाया था। टू हुम इज द स्टेटमेंट कावड़ाइस एंड अहिंसा डू नॉट गो टूगेदर एनी मोर देन वॉटर एंड फायर एट्रीब्यूटेड, यह कथन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कायरता तथा अहिंसा पानी और आग से ज्यादा साथ साथ नहीं चल सकते हैं, ए आचार्य नारायण देव, डी महात्मा गांधी, सी स्वामी विवेकानंद, या डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। ये मैंने कल भी आपको बताया था गांधी जी का अहिंसा ये कायरता नहीं थी, जो कि इनजस्टिस को सहन करना गांधी जी कायरता मानते थे। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम दैट एक्सरसाइज्ड एंड इवोक द रिफॉर्मिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट रिलेटेड टू, वह समस्या किससे संबंधित थी जिसने 19वीं सदी में सुधारकों को आगे आने के लिए सबसे अधिक उत्तेजित किया था, ए एजुकेशन यानी शिक्षा, बी कास्ट रेस्ट्रिक्शन यानी जातिगत बंधन, सी रिलीजियस रिवाइवलिज्म यानी धार्मिक नवजागरण, या डी वीमेन्स इश्यूज महिलाओं की समस्याएं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वीमेन्स इश्यूज। आपको ध्यान है जैसे कि अपने यहां पे विडो रीमैरिज का नहीं था कंसेप्ट, ज्यादा इतना नहीं चलता था, दूसरा आपके यहाँ पे सती प्रथा होती थी, तो ये कई सारे जो इशू थे इनको एड्रेस करने के लिए कई सारे आपके रिफॉर्मिस्ट आए, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, ये सभी आए। तो ये आपके विमेन्स इश्यूज काफी ज्यादा मतलब कि थे, जिनके मतलब कि सोचने पे मजबूर किया आपके रिफॉर्मिस्ट को और आगे आने के लिए उत्तेजित किया। On which day had Premier Attlee conceded that the British would quit India by June 1948? किस दिन प्रधानमंत्री एटली ने स्वीकार किया कि ब्रिटिश जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे? A January 26, 1947, B August 15, 1947, C January 26, 1948, या D February 20, 1947?
तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी फरवरी 20, 1947। यह आपका कहा गया था कि एट द लेटेस्ट जून 1948 तक हम छोड़ देंगे। बाद में आपको ध्यान है जून 3 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर माउंटबेटन ने अनाउंस किया कि अपने अगस्त 15 डेट आपकी रखी गई है अपने एज द लास्ट डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। इन विच ईयर वॉज द इंडियन होम रूल सोसाइटी फाउंडेड? इंडियन होम रूल की सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? देखिए यहां पे इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात की गई है जिसको कि अपने इंडिया हाउस भी कहते थे। इंडियन होम रूल लीग नहीं है, आप कहीं यहां पे 1916 ढूंढने लग जाएं, ठीक है। इसके अंदर इंडियन होम रूल सोसाइटी थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने फाउंड की थी लंदन में 1905 के अंदर, किसकी हेल्प के साथ? मैडम भीकाजी कामा, दादाभाई नौरोजी और एस आर राणा की हेल्प से। इसका कॉज था कि सेल्फ रूल जो ब्रिटिश इंडिया में उसको प्रमोट करना। नेक्स्ट, विच रिफॉर्म्स एक्ट हैड क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया? किस सुधारवादी अधिनियम ने भारत के लिए राज्य सचिव के पद का सृजन किया था? ए मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड सुधार। बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। सी द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। या डी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1908, मिंटो मॉर्ले सुधार 1908, वैसे आए तो 1909 के हैं मेरे ख्याल से, बट चलिए जो भी है ऑप्शंस में जो दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये आपको ध्यान होगा जो आपका रेबिलियन के बाद फिर ये आपका आ गया था, वो प्रेसिडेंट जो बोर्ड का था उसको हटा के ये पोस्ट आई थी, मैं आपको डिटेल ऑलरेडी बता चुका हूं। After the year 1853, a substantial amount of British capital had been invested in. वर्ष 1853 के बाद ब्रिटिश पूंजी का एक भारी मात्रा किस में निवेश की गई थी? A टी प्लांटेशन, चाय के बागान, B द रेलवे, C कोल माइनिंग यानी कोयला खनन, या D जूट मिल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर B द रेलवे जो थे उसके अंदर आपका काफी ज्यादा फिर ब्रिटिश ने इन्वेस्टमेंट किया था। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पहली अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? ए अक्टूबर 1945, बी नवंबर 1946, सी सितंबर 1946 या डी जनवरी 1947। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सितंबर 1946, जो कि आपका कैबिनेट मिशन प्लान था उसके रिकमेंडेशन पे ये बनी थी। महात्मा गांधी हैड गिवन आउट स्टीरिंग कॉल ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग द विच मूवमेंट? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो की सरगर्मी को हवा दी थी? ए नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग, बी खिलाफत, सी सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा, या डी क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी क्विट इंडिया मूवमेंट के ड्यूरिंग गांधी जी ने स्लोगन दिया था। नेक्स्ट, इन बंगाल द ईस्ट इंडिया कंपनीज हेडक्वार्टर्स वर लोकेटेड एट? बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहां स्थित था? ए फोर्ट सेंट जॉर्ज, बी फोर्ट विलियम, सी फोर्ट सेंट डेविड या डी शांति निकेतन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान है फोर्ट विलियम है। ये फोर्ट विलियम ही आपका बंगाल में जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी एक्टिविटीज थी उनका न्यूक्लियस यहीं पे था। द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस हैड बीन द प्राइम कंसर्न ऑफ? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका एक प्रमुख उद्देश्य था? ए आर्य समाज, बी प्रार्थना समाज, सी सत्यशोधक समाज या डी रामकृष्ण मिशन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सत्यशोधक समाज जो था उसका आपका यह मिशन था कि अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट, द लैंडमार्क्स ऑफ डलहौजीज एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट इंक्लूड? डलहौजी प्रशासन की प्रमुख उपलब्धियों में से क्या शामिल नहीं है? ए इंडियन रेलवेज, बी इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स या डी टेलीग्राफ। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा। ये आपको ध्यान है 1835 में आया था वो, ये विलियम बेंटिक के टाइम पे, ठीक है। और जो ये डलहौजी के जो टेन्योर की मेन इवेंट्स कौन कौन से थे? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848, ये वुड्स डिस्पैच 1854, एक शिमला के अंदर जो अपनी समर कैपिटल बनाना, सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर 1852,
पहली पैसेंजर ट्रेन चलना बॉम्बे ठाणे के बीच में 1853 में, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो डायमंड हार्बर और कलकत्ता के बीच में 1851 के अंदर, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 का, ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1854 के अंदर जो एस्टेब्लिश होना, सेकंड एंग्लो सिख वॉर और संथाल रेबिलियन आपका जो 1855 का था जिसके अंदर जो संथाल्स को इन्होंने बुरी तरह से कुचल दिया था, हाथियों का यूज लिया गया था जो संथाल के जो भी गढ़ थे उनको कुचलने के लिए, बुरी तरीके से कुचला था, शायद 15,000 संथालों को इन्होंने शायद मारा था। नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल वॉज डिफीटेड बाय द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ प्लासी mainly because बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने प्लासी की युद्ध में मुख्य रूप से किस कारण पराजित कर दिया था? A, because the English forces were much stronger than those of the Nawab, क्योंकि अंग्रेजी सेनाएं नवाब की सेनाओं से कहीं अधिक ताकतवर थी। B, because of Clive's conspiracy with Nawab's commander in chief Mir Jafar and the rich bankers of Bengal, नवाब के सेनापति मीर जाफर तथा बंगाल के अमीर साहूकारों के साथ क्लाइव के षड्यंत्र के कारण। सी, बिकॉज ऑफ सिराजुद्दौला रिटायरमेंट फ्रॉम द बैटल फील्ड, युद्ध के क्षेत्र से सिराजुद्दौला के पीछे हट जाने के कारण। या डी, बिकॉज ऑफ कैप्चर ऑफ अ बैंड ऑफ फ्रेंचमैन अंडर द नवाब सर्विस बाय द इंग्लिश, अंग्रेजों के द्वारा नवाब की सेवा में शामिल फ्रांसीसियों के एक समूह को बंदी बना लेने के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जो मीर जाफर की जो ये इसके साथ जो साठगांठ हो गई थी क्लाइव के साथ, उसकी वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और आपको ध्यान है बाद में मीर जाफर को आपका आपका नवाब बना दिया गया था, लेकिन मीर जाफर को भी बाद में हटा के आपको ध्यान है मीर कासिम को बना दिया गया था, जिसको कि बाद में आपका बैटल ऑफ बक्सर के अंदर हटा दिया गया था। नेक्स्ट, प्लासी इज लोकेटेड इन, प्लासी किसके समीप स्थित है? ए, मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल, बी, राजशाही इन बांग्लादेश, सी, कलकत्ता, या डी, बिहार में जो मुंगेर है उसमें। तो इसका करेक्ट आंसर आया आपका ऑप्शन नंबर ए, जो वेस्ट बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद है वहां पे आपका लोकेटेड है प्लासी। आपको ध्यान है बैटल ऑफ प्लासी आपका हुआ था 1757 के अंदर सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। नेक्स्ट, एज पर द एक्ट ऑफ 1919 द लोअर हाउस ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर वॉज नॉन एज, 1919 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल के निचले सदन को क्या नाम दिया गया था? ए, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, बी, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, सी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी और या डी, हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी तो क्या इनका तो हिंदी में वही सेम ट्रांसलेशन है। तो आपने देखिए हाउस ऑफ कॉमन्स तो लोअर हाउस जो है आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट का है, ठीक है, और अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ये ब्रिटिश जो यूके का है, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आपका यूएसए का लोअर हाउस है, और जो का इसका अपर हाउस है वो है सीनेट। आपका अपने ध्यान है अपने यहां पे भी अपने स्टेट्स के अंदर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है लोअर हाउस और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है आपका अपर हाउस, लेकिन ये हर एक स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, कुछ एक स्टेट्स के अंदर ही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट, सरदार पटेल ब्रॉट ऑल द इंडियन स्टेट्स इनटू द कंट्रीज यूनिटी बाय, सरदार पटेल ने सभी भारतीय राज्य को देश में शामिल कर दिया किसके द्वारा? ए, बाय ब्लडी रेवोल्यूशन खूनी क्रांति के द्वारा, बी, बाय यूजिंग आर्म्ड फोर्सेस सशस्त्र बलों के प्रयोग के द्वारा, सी, बाय ब्लडलेस रेवोल्यूशन रक्तहीन क्रांति के द्वारा, या डी, विद द हेल्प ऑफ द इंग्लिश अंग्रेजों की सहायता के द्वारा। तो आपको पता है ये ब्लडलेस रेवोल्यूशन था, यहां पे कोई भी खून खराबा नहीं हुआ था, यहां पे नेगोशिएशंस और इनके आयरन हैंड जो था सरदार पटेल का उनकी हेल्प से अपन ने सभी ये जो इंडियन स्टेट्स को अपने इंडिया के जो यूनियन है इसके अंदर शामिल किया था। एक आपका हैदराबाद जरूर है जहां पे अपने को आर्म फोर्सेस भेजनी पड़ी थी, बाकी अपने नेगोशिएशन से ही काम चल गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग हु आर नॉट गिवन रिजर्व्ड सीट्स इन द इंडियन लेजिस्लेचर्स, निम्नलिखित में से किसे भारतीय विधायिका में आरक्षित सीटें नहीं प्रदान की गई हैं? ए, स्केड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, बी, स्केड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति, सी, एंग्लो इंडियंस यानी अंग्ल भारतीय, या डी, लैंडेड गैंट्री यानी कि जमींदारी वर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लैंडेड गैंट्री। आपको ध्यान है एंग्लो इंडियंस की दो सीट्स हैं आपके लोकसभा के अंदर रिजर्व्ड हैं,
ये लेकिन इसका अभी दिसंबर नाइन ये अपने 2019 जो लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर ये डिस्कशन हो रहा था कि शायद अब ये रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वेल टू डू है अब, तो शायद इनका रिजर्वेशन आपका हटा लिया जाए। लेकिन आप देखिए क्या प्रपोजल का उसका आगे क्या होता है। तो इसके साथ ही आपके आज के 50 क्वेश्चंस खत्म हो गए, आपकी क्लास आज की खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री को अब डिस्कस करेंगे। आई होप आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। थैंक यू एंड गुड लक।